जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे में जहरीले सांप को मारना एक साधु को पड़ा भारी। जहरीले सांप ने साधु को काटा। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ग्राम नावर के रहने वाले साधु सीताराम ग्राम नीव गांव में गए थे भंडारा खाने। डॉक्टर की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुठौन थाना क्षेत्र की घटना। बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर, जहां श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे में एक जहरीला सांप निकल आया, जिसे एक साधु ने मार दिया। और ये सांप मारना साधु को इतना भारी पड़ा कि जहरीले सांप ने साधु को ही काट लिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उस साधु को उपचार दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ग्राम नावर के रहने वाले साधु सीताराम ग्राम नीव गांव गए थे भंडारा खाने। डॉक्टर की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर जालौन मेट्रो संवाददाता सौरभ पांडे कुरौली। इस वक्त देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, क्या जानकारी है इस घटना पर? रश्मि, इसमें हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक नावर गांव का रहने वाला ये वृद्ध साधु है, सीताराम इसका नाम बताया गया, उम्र लगभग 75 वर्ष के आसपास है। ये नीम गांव जो कि कुठौन थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत कथा का भंडारा था, वहाँ पर ये भंडारा खाने के लिए गया था। कल शाम को जब वो वहाँ भंडारा खा रहा था, उसी समय एक जहरीला सर्प वहाँ आ गया था। तो इस बाबा ने यानी इस साधु ने उस सर्प को वहाँ जाके उसको मार दिया था, और उसको मारने के दौरान उस सर्प ने इसके हाथ पर जहरीले अपने दांत गड़ा दिए, संभवतः उसको काट लिया था। उसके बाद जब कुछ देर बाद तक तो सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसने ये तड़पने लगा, तो वहाँ पर स्थानीय जो लोग और थे उन्होंने एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, और सूचना मिलने पर एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुँची और एम्बुलेंस से इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है कुठौन पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसको पहले तो ट्रीटमेंट दिया है, कुछ बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन उसी समय डॉक्टर के मुताबिक कहना ये था कि वो शौच क्रिया के लिए गया, और लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। जब डॉक्टरों ने देखा तो तब तक उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वृद्ध को या वृद्ध साधु को सांप को मारना भारी पड़ गया, क्योंकि सांप को अगर ये ना छेड़ता या ना मारता तो शायद ये आज जीवित होता, लेकिन कहीं ना कहीं इसने सर्प को मारा है और सर्प ने अपना बदला लिया और उसकी मौत हो गई है, ऐसा लोगों का कहना है। सर, एक आपके अस्पताल में एक मिट्टी आई है, ये कहाँ से है, क्या है यह मामला? ये कल शाम को लगभग 6:45 5:15 के लगभग ये एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था, और इसमें ये बताया गया था कि इसको इस जहरीले कीड़े ने काटा है। तो हमने इसका हाथ देखा था, यहाँ पर निशान कुछ था, खून लगा था। अच्छा। तो फिर इसको मैंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद इसको पल्स वगैरह देखी, सब नॉर्मल था। इसके बाद क्या हुआ, कम से कम 15-20 मिनट बाद तो इसको लगी लैट्रिन, तो इसने कहा कि हमें लैट्रिन जाना है, तो ये गया लैट्रिन। फिर इसके बाद वहाँ पे जब काफ़ी देर नहीं आया, इसके साथ वाले भी जब चले गए, तो हमने अपने चौकीदार से कहा कि जाके देखो क्या है, तो देखा क्या कि वहाँ पे गिरा पड़ा था, उठवाया हमने जल्दी। फिर इसका ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो उस समय देख रहे थे गैस्पिंग कर रहा था, सांस ऐसे ऐसे कर रहा था, तो इसके थोड़ी देर बाद वो एक्सपायर हो गया। लैटरिन लगी हमें? नहीं, लैटरिन तो लगी, लैटरिन फिर तो तुमने क्या करो, सांप कैसे खाए लो? अरे पकड़ो हाथ में, खाने काय पकड़ रहा है? ए भगवान, जो कह रहे सरा सरा अलग हटा हटा हटा, मुझे लैटरिन लगी यार बेटा, मैं कौन हूँ पता नहीं है तुम्हें, पकड़ो काय तुमने, हम कौन है वो तुम बता सकत को? जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय प्रभु की कछु इच्छा आती। क्या क्या इसको कहीं कुछ तुम करोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा? क्या तो काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे कोई डस है। अच्छा, इसलिए मैंने छेड़ा उसको। अच्छा, जाए श्री राधे, जाए बाबू जी, काय छेड़ो भैया, सुन लो, काफी दिनों से मैं तलाश में था। अच्छा, कि मैं मृत्यु हिसाब से हो गलिया मुझे काटेगा या कोई भी काटेगा, मैं सर्प एवनू में जाऊँगा, मैं सर्प एवनू में जाऊँगा, जय श्री राधे, मैं शिव भोलेनाथ का भक्त, जय माँ भगवती, मुझे बचाएगी तो बचाएगी, नहीं तो इसी योनि में मैं जाऊँगा। काफी अमर सिंह होरीलाल, शंभो भोलेनाथ, मैं भोलेनाथ का अमर एक मिनट सर, काफी दर्द है यार, बेटा
अपनी दर्द है यार। जय शिव। अरे सीलू को लगाए थे, काफी दर्द है। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, बताओ। कहाँ? अमर सिंह नकेल पर। बस अमर सिंह क्या करेंगे इसमें? वहीं मुझे आराम मिलेगा। बंद को लगा दिया, फूल लगा दिया। जय बोले उठाओ उठाओ अगले मंदू कक्का वो नीचे बजो दांत भाचा जो भू 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 थोड़ को ये ले। है बंद लगा दे उनको, बंद लगा दे। हमें जाने पर नहीं पर हमें दिक्कत तो है। बारो चीज ही का ही है यहाँ। बनो हम लगाए फूल लगाए दे तो अच्छे। हाँ जी संग चलने पर अरे नकल पर जाएंगे अमर सिंह के। हाँ पूछो हम लगा दे दो मिनट। मैं कहूँ नहीं जाऊंगा। अबे कब जो करता हूँ तुम्हें भगे फेर हो तेरी भाई ढूंढना। उठा उठा बाबा एम्बुलेंस को फोन कर। फोन जवा ठीक नकल पर आओ अस्पताल पहुँचवा। एक लंगर अस्पताल पहुँचवा। हाँ फोन करो एम्बुलेंस कर क्या सबसे बढ़िया। शालोम मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।